पांच ए ठीक है। इसको विस्तार से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दो है ना बच्चे, देखिए ध्यान से देखिए मैडम, सभी बच्चे देखेंगे ठीक है, देखिए इधर यहाँ दो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दो लिखिए, दो के बदल में कितना अंक है, एक दो तीन अंक है, तीन शून्य देखिए कितना शून्य देखिए, तीन शून्य, अब दो का काम खत्म, यहाँ पर हम जोड़ का चीज देखिए, अब यहाँ ये तीन लिख दिए, और तीन के बदल में कितना अंक है, दो, तो दो शून्य देखिए, अब तीन का काम खत्म, अब जोड़ का चिन्ह देखिए, अब ये क्या है, पांच, पांच है, तो पांच के बदल में कितना अंक है, एक, तो क्या करेंगे, एक शून्य दे देंगे ठीक, अब बस गया एक, तो एक के बदल में कुछ नहीं रहा है अंक, तो इसीलिए एक को एक ही छोड़ देंगे, समझ गए, कैसे फिर से देखिए सीखिए बच्चे सीखेंगे, ये अंक है इसको विस्तार से लिखना है, तो देखिए आता है ना आपको, देखिए सीखिए यहाँ ये दो को यहाँ दो लिख दिए, उसके बाद इतना अंक है इतना अंक यहाँ जीरो दे दिए, फिर जोड़ का चिन्ह दे दिए, इधर देखिए जोड़ का चिन्ह दिए, फिर लिख दिए, फिर इसके बगल में जितना अंक है उतना जीरो दे दिए, फिर देखिए जोड़ लिखे, फिर यहाँ पांच लिखे, पांच के बगल में एक अंक है यहाँ एक शून्य दे दिए, फिर एक लिखे जोड़ लिखे, फिर यहाँ एक है तो एक लिख दिए, उसके बगल में कोई अंक नहीं रहा, तो यही हो गया, इसको विस्तार से लिखे, अब देखिए हम लिखेंगे, अब आपको विस्तार से लिखना, ये हो गया, अब ना इसको रख दे, देखिए देखिए इधर यहाँ हम लिखते हैं छः तीन दो ए, चलिए इसको विस्तार से यहाँ लिखिए, तो नीचे में लिखिए इसको विस्तार से, देखिए सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, क्या ये सही लिखी? यस मैम। ये नहीं कुछ बोल रही है, क्या ये सही लिखी? यस मैम। लिखी कि नहीं बोलिए, समझ में नहीं आ रही है बाबू, ये स्कूल रूल्स में ही आती है, इन लोग के साथ यही प्रॉब्लम है कि स्कूल आती नहीं है, स्कूल रोज आना चाहिए ना, कल भी बताया ना, रोज आइए, कितना अच्छा लगता है पढ़ने में, कैसा लग रहा है बोलिए, सीख रहा है तो कैसा लग रहा है दीदी, अच्छा लग रहा है ना, हाँ खुशी भी होती है पढ़ने में सीखने में, बोलिए तो ठीक है, आप लोग समझ, इसी चीज को भी लिखाएंगे कॉपी में, लिखिए देखिए बैठिए,